for a lifetime experience. Sonics, tiles for floors and walls. Bismillahirrahmanirrahim. On News Channel पे सियासत ऑन है, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके सुहेल अफंदी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग गुनाहगार हैं, हम अल्लाह ताला से रब्बुल कायनात से हम मांगते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं कि अल्लाह हम पे फजल करे, अल्लाह अपनी रहमतें हम पर हमारी कौम पर करे। तो इसी तरीके से हम इतने परेशान हैं कि हम पीरों फकीरों के पास भी जाना शुरू हो जाते हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ मांगें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कभी कोई दुआ कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपके अंडर काम करने वाले, आपके मुलाजिम, आपके ड्राइवर, आपके माली, आपके घर में जो आप पे डिपेंडेंट हैं वो खुशहाल ना हो, उनको आप खुशहाल ना रखें। अगर उनको खुशहाल रखेंगे तो वो झोली फैलाकर आपके लिए दुआ मांगेंगे। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आम आदमी का ख्याल रखें, गरीब आदमी का ख्याल रखें, उनके रिज़क का ख्याल रखें, उनके बच्चों का ख्याल रखें, वो भी आपके लिए झोली फैला कर आपके लिए, आपकी हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआ मांगेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो उनकी अंतड़ियां भी बदवाएँ देंगी। हमारे आज के प्रोग्राम में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बड़े पढ़े लिखे और बड़े विजन वाली लीडरशिप बैठी हुई है। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा जनाब तारिक खुर्शीद साहब। तारिक खुर्शीद साहब सीनियर रहनमा हैं, साबिक MD बैतुल माल भी रहे हैं, 8 साल जेल भी काटी है इन्होंने जमहूरियत के लिए, और आज हमारे मेहमान हैं। आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आपके कॉलम भी पढ़ते रहते हैं जी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ और इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं उससे बात कर सकूँ। मेरी दूसरी मेहमान हैं जनाब ज़ैनब लोधी साहिबा। आप लॉ पढ़ाती भी हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं और शुरू से PTI की मेंबर रही हैं, और बहुत हद तक इन्होंने PTI पर बहुत ज़्यादा इन्होंने उनके लिए काम किया है, और इस वक्त माशाल्लाह मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि ये PTI की मेंबर हैं पंजाब असेंबली में, और इनके जो हस्बैंड हैं वो ILF पंजाब के सदर हैं और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं। तो माशाल्लाह पूरी फैमिली ही इसी खिदमत में लगी है। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आपसे शुरू करें, असेंबली की बातें हो रही हैं तो हम देखें कि एक बिल आया जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर की 6 टाइम फोल्ड सैलरी प्लस जो स्पीकर की और उनकी 3 टाइम और जो MPS की थी, एकदम वो मुतफ़क़ा पास हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, उसके अंदर वो घर वाला मामला तो रिवर्ट हो गया, बाकी तनख्वाहों वाले मामले की अभी असेंबली में क्या पोजीशन है? देखें अभी क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा एक डेडलॉक आ गया है। पहले एक बात तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ वजाहत करना चाहती हूँ आपके चैनल के तवसत से कि लोगों ने जब ये बिल असेंबली में आया तो उस वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए और ये कहा गया कि जी मुल्क जो है वो बड़े नाजुक तौर से गुजर रहा है और जो यहाँ के ऊपर असम्बली में तनख्वाहों के ज़्यादा करने की बात की जा रही है। मैंने वहाँ के ऊपर बल्कि इस सारे मामले को इनिशिएट मैंने ही किया था। अच्छा, और इसलिए इनिशिएट किया था कि आप लोग सुन के हैरान होंगे, ये बात आप बड़े सुन के हैरान होंगे कि जो बेसिक पे होती है एक MBA की MPA की जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है उसकी जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये। और मतलब ये अंदर की बातें आप आज आप मेरे से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं तक गई है। तो वो जो 80 नहीं, आप देखिए कि 18 पंजाब असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, मैं अभी बाकियों पे भी आती हूँ। 18,000 रुपये जो बेसिक पे है, उसके अलावा जो अलाउंसेज जितने भी आप कह लें हाउस रेंट है या बाकी सब मिला जुला के कोई 82,500 या 83,000 रुपये आप समझें कि एक तनख्वाह क्या मतलब सब चीज़ें मिला जुला के आती हैं। इससे पहले आप लोगों ने कभी भी किसी भी दौर में ये बात नहीं सुनी होगी। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि 2016 में जाके 83,000 रुपये तनख्वाह हुई है और इससे पहले ये 43,000 रुपीज़ थी। ये 43 या 83 ये इसलिए है क्योंकि इससे पहले की गवर्नमेंट में लोगों को इस तनख्वाह की परवाह ही नहीं थी। और इससे पहले जो लोग करते थे, काम करते थे, या MPS की हम जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनके मीन्स और बहुत सारे होते थे कि आपने करप्शन करनी है, कट्स लेने हैं, ठेके लेने हैं, आपने सारे पैसे उसमें बनाने हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल बेमानी होती थी। अब बात जब हमारे यहाँ के ऊपर आई तो हमने ये कहा कि अगर आप जो मैंने एक लफ्ज़ भी वहाँ पे इस्तेमाल किया है असेंबली के बीच में
कि अगर आप चाहते हैं कि हलाल सियासत की जाए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ के हर चीज़ के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा ज़रूरी बात, इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आप हमसे हलाल सियासत करवाना चाहते हैं और तो उसके लिए आपको हमारी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी। तनख्वाहें इसलिए बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि हमने करप्शन नहीं करनी है, हमने ठेके नहीं लेने, हमने कट्स नहीं लगाने, हमने छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर पैसे नहीं बनाने। सो इसलिए अब देखें, जिस तरह मेरा जो अगर ये कहा जाए कि वकालत का जो मेरा दौर है उसके बीच में आपको पता ही है कि हमने जब अदालत में जाना होता है तो फिर हम उनसे कहते हैं कि जी प्रोफेशनली आप हमारी फ़ीस दें, हमने केस भी करने होते हैं, हमारी प्रोफेशनल फ़ीस होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं असम्बली में तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग ये समझते हैं कि ये लोग हमारे मसाइल हल करने के लिए आए हैं, और जब हमारे मसाइल हल करने की बात आती है तो रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी कोई उठ के हमें फ़ोन कर देता है, हमारे फ़लाँ थाने में हमारा मसला हो गया है या हमारी फ़लाँ जगह के ऊपर प्रॉपर्टी का इशू हो गया है या जो भी इशू हो गया है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे बिजली का बिल जी ज़्यादा आ गया है, मेरी गैस का बिल ज़्यादा आ गया है तो मैं वो ठीक करा दें या कोई भी चीज़ आप कर दें। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें अपने आप को हर वक्त लाइन हाजिर करना पड़ता है और वो हमें अपने एक्सपेंस के ऊपर करना पड़ता है। जी जी, तो ऐसा नहीं होता कि हमें इसके लिए कोई और हमें पैसे दे रहा होता है। इसके अंदर आप देखें ना कि मतलब आप नई क्यादत आई है, आपने कहा क्या फेयर मींस के साथ करना चाहिए, इतनी ही क्यादत आपके साथ अपोजिशन की भी बैठी थी जो पहले से भी एडवांटेजेस ठेके भी लेते आ रहे हैं, तो दूसरा इसके अंदर मिनट लगा है और एक भी इतराज नहीं हुआ, ये बिल मुतफ़िका तौर के ऊपर पास होने की बात अलग है, कोई इसके अंदर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं वहाँ पे, जब ये बात पीपल पार्टी भी है उसके अंदर, जब ये बात वहाँ के ऊपर इनिशिएट हुई तो बाकी भी सब लोगों ने यही बात कही कि जी बिल्कुल हमें समझते हैं कि जो तनख्वाह दी जा रही है वो बहुत थोड़ी है और इसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। रीजन क्या जी, जो हमारी हम केपी की बात करते हैं, केपी के बीच में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया एक मेंबर केपी का ले रहा है। हम बलोचिस्तान असम्बली की बात करते हैं तो बलोचिस्तान असम्बली में 3-3.5 लाख बल्कि 4 लाख रुपए वो ले रहे हैं, और जो सिंध असम्बली है उसमें भी इसी तरह है। तो एक पंजाब असम्बली जो सबसे बड़ा सूबा है और हमें पूरे पंजाब में काम करना पड़ता है तो उसमें इतनी तनख्वाहें काम क्यों? हमारा एक मोटिव था कि आप सबको बराबर कर दें। जी आपने दूर फरमाया, आप लोग तो लेजिस्लेटर हैं और फिर माशाल्लाह अगर इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी है तो आम आदमी, गरीब आदमी, उस्ताद और दूसरे हैं उनकी भी तनख्वाहें बढ़ने चाहिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ, दूसरा है ताकि हमारे पास प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट टाइम का होता है तो मुख्तसर से बात करना चाहूँगा। ज़ैनब जो बात कर रही है, बेसिकली आप देखिए कि आप ज़रा माजी में जाइए, एक अल्लाह दत्ता जीते थे 70s में इलेक्शन, जी जी, उस साइकिल पे उसने कंपेन की थी, एक कमी था, एक चुगी में रहता था और वो एमपीए बन गया था, लेकिन वो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, फिर राही जीते फैसलाबाद से, एक आम मतलब जात से वो तेली थे और मेरे नज़दीक खैर इसमें कोई बुराई नहीं है कमी होने के, लेकिन बहुत गरीब आदमी वो आया असम्बलियों में। असल जो मसला है वो ये नहीं है कि आपकी मतलब तनख्वाहें क्यों बढ़े, असल मसला ये है कि आप जब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते करोड़ों लगाए बगैर, तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब इसमें एक आम आदमी जिसके पास एक, आप वॉलंटियर कर रहे हैं ना, अपने आप को कोई पाबंदी नहीं है कि आप आए और आके एमपीए बने, एमएनए बने, मिनिस्टर बने, आप वॉलंटियर करते हैं, आप खिदमत करने आ रहे हैं, तो अगर कम पैसे भी होंगे तो लोग करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो उनसे पैसों मतलब आप करोड़ों लगवा के उन्हें एमपीए ना बनाएं, उन्हें एमएनए ना बनाएं, उन्हें मैनिफेस्टो बनाएं। छोटी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को वाकई नहीं जानते हैं, जो इस दफा पीटीआई में इलेक्शन लड़े गए हैं हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स ने लड़े हैं। खान साहब का ये हमारा नजरिया था कि जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उसके बीच में प्लस माइनस जो भी सबके साथ बीच में हुए, उसमें जहाँ के ऊपर आप ये समझते हैं कि जो करोड़ोंपति लोग या लैंडलॉर्ड्स ने इलेक्शन लड़ा है वहाँ के ऊपर ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग हैं, और आप यकीन करें कि जो यंगस्टर्स हैं उनको 3-4 लाख रुपए बाकी कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके उन्हें उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए दिए हैं। तो अब यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे ऐसे एमपीएस हैं जो अभी भी रिक्शों के ऊपर आते हैं या किसी से गाड़ी मांग के आते हैं, ऐसा नहीं है कि, या कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जमीनें बेच के यहाँ के ऊपर आए होंगे। तो अब अगर हम ये सोचें कि हमने अगर चलें ये तो इशू अब गुजर गया, हम अब आगे चलते हैं। आप मिराज खालिद को जानते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक रीगल चौक पे एक फ्लैट में रहा करते थे और आखिर वक्त तक जिंदगी उन्होंने वहीं पे गुजारी और उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसी दिन एक और बिल हुआ था
जो लिवर एंड लिवर एंड किडनी फंक्शन इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर दोनों पार्टियों में इत्तेफाक, अपोजिशन और हुकूमत में इत्तेफाक नहीं हुआ, वो तो पब्लिक नॉलेज का मसला था। उसमें तो एकदम लोग एग्री कर गए, उसके अंदर वो क्या किस वजह से रुका? देखिए, क्योंकि वहाँ के ऊपर कुछ मसला ये था कि कुछ ऐसे पुराने डॉक्टर्स थे, उनको शायद इंक्लूड करना चाह रहे थे बोर्ड वगैरह के अंदर, तो वो उनको बेसिक कुछ उन चीज़ों के ऊपर एतराज़ आते, अदरवाइज उनको एज सच बिल के ऊपर एतराज़ नहीं था। देयर वाज सर्टेन पॉइंट्स, वो पूरा बिल के ऊपर वो भी एग्रीड थे, उनको कोई ऐसा सच इशू नहीं था। तो वो कोई बीच में डॉक्टर आई फॉरगॉट द नेम प्रॉब्ली साद या जो थे, तो वो उनके बारे में था कि अगर बोर्ड के अंदर उनको इंक्लूड किया जाए तो ये आप किडनी और ट्रांसप्लांट के मुतालिक जब बात करें, क्योंकि बहुत पुराने हैं, सो बेसिक वो इशू था। इसके अलावा और कोई उनको भी इस बेसिक के ऊपर एतराज़ नहीं। मैं आपकी तरफ आऊँगा, तो जो मतलब मेरे इलम में आया, जो मैंने पढ़ा या देखा है, उसके अंदर बेसिक इशू जो था वो ये था कि हुकूमत कह रही थी कि इसको हम सरकारी तौर पर चलाएंगे, और अपोजिशन कह रही थी ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह चलेगी। आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए? ऑटोनोमस बॉडी दोनों सूरतों में मतलब मिसालें दी जा सकती हैं। ऑटोनोमस बॉडी में भी बहुत अगर अच्छी क्या मतलब क्यादत मुयसर आ गई तो उन्होंने बहुत मिरेकल्स किए हैं, और गवर्नमेंट ने भी रन किए हैं तो ऐसे रन कामयाबी से रन किए हैं जिसमें मसला सिर्फ ये है नेक नीति का, पब्लिक फंड भी है नेक नीति का। जो पीकेएनआई का मसला है उसमें बाहर से बड़े बड़े नामों वाले डॉक्टर्स को लाया गया था। किसमें? पीकेएनआई में, ये जो जिसके बिल की बात हो रही है, जी जी, किडनी एंड लिवर, किडनी एंड लिवर, वो बाहर से लोग आए, और ऐसे भी उसमें डॉक्टर्स हैं। मसला मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि डॉक्टर अमर उसमें जो हैं वो छोड़ के जा चले गए, जो $4,000 डेली कमा रहे थे और वो यहाँ आ गए। तो अब हम सारों को जब एक एंगल से देखेंगे, बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये पैदा हो रहा है कि हम ये समझने लग गए हैं कि मैं ठीक हूँ और बाकी सब गलत है। असल में होना ये चाहिए कि मैं खुद को ठीक करूँ और बाकियों को सही समझता रहूँ। आपको इजाजत दूंगा कि एक कॉल पे हमारे साथ। जी सलाम अलैकुम, कौन सा? वालेकुम सलाम सर, मैं ना शेखपुरे से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? शेखपुरे से। हेलो, शेखपुरा, शेखपुरे से बोल रहे हैं। जी जी, जरा आवाज की क्लियर नहीं ऑडियो। जी जी, टीवी नहीं आवाज इतना आ रहा है, किस लिए? जी मसला बताएं आप प्लीज काइंडली। मसला सबसे मैं ना मारा बंदा ही थे, मेरे टिकी मकान भी छत। जी जी, ऑडियो क्लियर नहीं है, मैं सुन नहीं पाऊंगा इसको। हेलो, चलें आप प्रोग्राम के बाद आप रابطہ कीजिएगा इसी नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। तो जो बात मैं कर रहा था वो ये है कि आप दोनों कामयाब हो सकते हैं, शर्त यह है कि आपके जो उसको हेड करेगा या जो टीम बनेगी। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है सेक्टरी लेवल पे एक और मयार है, और ये प्राइवेट सेक्टर में आप बड़े से बड़े हायर कर सकते हैं। हमेशा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है, उसकी वजह यह है ब्यूरोक्रेसी से बेहतर, और इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी इस वक्त के ऊपर जो चांदिक रिजर्वेशन बीच में गवर्नमेंट जिसके सेक्टर के ऊपर आई है, आपके नजर में होगा 2007 के बीच में बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जो लिवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर जो आया था। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर हमारे मसूद हॉस्पिटल बाकी कई सारे अस्पताल थे जो बंद हो गए थे, फिर इनके ऊपर बोर्ड्स बने, वो एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है पीछे, इसके ऊपर बड़ा काफ़ी रिसर्च हुई है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी इस किस्म की अगर हमें काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक अंडर सुपरविजन रहना चाहिए ताकि किसी किस्म की उसके सुपरविजन पे तो कोई हर्ज नहीं, मैनेजमेंट और सुपरविजन में तो कोई फर्क नहीं, ऑडिट भी होना चाहिए, मैनेजमेंट गवर्नमेंट भी ऑडिट करे, अदारे भी नजर, आपके जो तहकीकाती अदारे हैं वो भी नजर रखें। एक और आपके हवाले से ही वो क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आपकी माशाल्लाह हम सुनते रहते हैं कि असेंबली में आपकी अपीयरेंस बहुत सीरियस होती है, आप बड़े लीगल इश्यूज रेज करती हैं और उन पर स्टैंड लेती हैं, और वो शोर शराबे वाली पार्टी नहीं है, जाती तौर पर आपकी यही रेपुटेशन। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब ये जो एमपी एमएनए को आपकी लीडरशिप ने कहा था कि फंड्स नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिवेल्यूएशन है नीचे तक होना चाहिए, लेकिन अब जो ये दे रहे हैं तो इसकी क्या पोजीशन है? नहीं, उन्होंने एमपी एमएनए का एक जनरल बात नहीं हुई थी, जो फंड्स की बात हो रही थी पहले तो ये देखिए, अभी तो एक बात ये है कि जो हमारे जो नहीं फंड्स देने की बात हुई थी
वो एक तो खैर रिजर्व सीट्स के ऊपर जितने बात है उनको, ताकि उनके रिजर्व फंड से दिए जाएंगे, और दूसरी बात है कि डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, ये लोकल बॉडीज को डायरेक्टली वहाँ के ऊपर जाएंगे। अभी चूंकि लोकल बॉडीज का हमने नया सारा सेटअप इंट्रोड्यूस करा दिया है उनको सारा, अभी लोकल बॉडीज ऑन ग्राउंड है ही नहीं, यानी ऑन ग्राउंड से मुरादे के पिछला सेटअप सारा हमारा खत्म हो गया, नया हमारा अब जो हमारा सेशन आने वाला है उसके बीच में हम एक नया बिल इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं, पूरा एक नया सेटअप बदल जाएगा जिसमें पिछले लोग सारे खत्म हो जाएंगे। उसमें उन्होंने विलेज काउंसिल्स को इंट्रोड्यूस कराया है, तहसील लेवल तक नीचे गए हैं, तो वो काफ़ी इस लिहाज से जब वो एक सेटअप आ जाएगा तो फिर जारी बात है उसी तरह से डिवॉल्व करेंगे। प्रोग्रेस में अभी दैट इज इन प्रोग्रेस, इसलिए यहाँ के ऊपर जो है वो एमपीएस साहब, ये जैसे लोकल बॉडी है अभी गवर्नमेंट ने कहा मेक अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह जल्दी आएगा, लेकिन थोड़ा सा साइकी जो है पीपल्स पार्टी नून लीग की और ये पीटीआई की पहले की भी है, क्योंकि एक दफ़ा बना भी चुके हैं कि इनका माइंड सेट क्या है। माइंड सेट ये है कि उसमें इनको 62-63 की जरूरत नहीं होती कि नीट एंड क्लीन है या कोई चेक एंड बैलेंस होए, और उसके अंदर आप ये देखें कि जब अपने पे आठवीं तरमीम होती तो चीखते हैं जी एक बंदा आता तो उठा के बाहर फेंक देता है। इसके अंदर आपको देखें कि जो तीनों जो सूबों में तो एक आदमी इलेक्टेड चेयरमैन को हटा देता है, क्या इसी तरीके से आगे आएंगे? देखिए ज़्यादा के वक्त हमने खुद कोशिश की, ये पहले लेजिस्लेशन जो थी असम्बलियाँ जो थी वो लेजिस्लेट किया करती थी, वो गली मोहल्ले की गलियाँ और नालियाँ नहीं बनाया करती थी। ये जानबूझ के हमने वो लोग जो इस मुल्क के की तकदीर जिनके हाथ में जानी है, जिन्होंने वो पॉलिसीज देनी है जो आगे चल के मुल्क और कौम को बनाएंगी या बिगाड़ेंगी, हमने उन्हें लगा दिया कि वो सड़कें बनाएं, वो गलियां बनाएं, वो गलियां पक्की करें, वो नालियां बनाएं और इस तरह के काम करें जो बेसिकली एक मतलब प्राइमरी या वो यूनियन काउंसिल बलदियाती काउंसिल का काम है। और फंड्स देने का मेरे नज़दीक मैं जो समझता हूँ इमरान खान ने जो बात की थी वो बिल्कुल उस वक्त ठीक थी, हालात उस तरह नहीं मिले। और मैं पहले भी आपसे बात हो रही थी तो मैं आपको कह रहा था कि बेसिकली हम जिस तरह धंस गए हैं इस दलदल में, उसमें कोई फरिश्ता भी आए ना तो वो डिलीवर नहीं कर सकता, नहीं कर। इसलिए कि हमने पूरे एक लोग तो समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ ने या बेनज़ीर के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में ये करप्शन उतरी, इसमें ये करप्शन पॉलिटिक्स की बॉडी में अगर उतारी है तो उसके अयूब खान ने उतारी है जिसने रूट परमिट देते थे, रूट परमिट जी ये गाड़ियों के बसें जो चलती थी इनका रूट परमिट मिलता था, और वो रूट परमिट उसको मिलता था जिसके गाड़ी होती नहीं थी, सिरे से वो जाके बाजार में बेचता था और वो रातों रात अमीर हो जाता था। हमने इस बॉडी पॉलिटिक्स में करप्शन खुद मतलब कह लें डेलिबरेटली उतारी है, इसलिए कि हमें कंट्रोलेबल लोग चाहिए थे। आपको याद होगा कि जो इलेक्शन हुए थे मुशरफ के दौर में उसमें बकायदा ये एक क्वाइन की गई थी, मतलब ये टर्म्स कंट्रोलेबल लोग जो हैं जीतने चाहिए, और वो कंट्रोलेबल जीते और अक्रॉस दी पार्टी जीते, वो इसमें ज़रूरी नहीं था कि नून लीग के हों पीपल्स पार्टी के, वो अक्रॉस दी पार्टी जीते, लेकिन वो एक कंट्रोलेबल लोग थे जिनकी आपने फाइलें बना के रखी हुई हैं और वो फाइल दिखा के आप उससे वो अपनी मर्जी के फैसले ले लेते हैं। अब जो सूरत हाल है मैंने कहा ना कि ये आप इसको रातों रात नहीं बदल सकते, आपको बहुत स्लोली चीज़ों को बदलना पड़ेगा और उसकी तदा अपनी ज़ात से करनी पड़ेगी। मैं मिसाल बनूंगा जी तो दूसरे मुझे फॉलो करेंगे, अगर मैं मिसाल नहीं बनूंगा तो आप जो मर्जी कर लें इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। तो देखिए साथ सॉरी मैं सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं, क्योंकि अब जो नया सेटअप आ रहा है उसके बीच में जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर किसी पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं है, और जो बिल्कुल शुरू के बीच में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और किसी कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। फिर जैसे जैसे इलेक्शन ये ऊपर आएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट और उनके लेवल के ऊपर ये फिर जाके पार्टी लेवल होगा, तो लेकिन इनिशियली इन्होंने इसी को इसीलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन के बाद आस्ता आस्ता स्क्रूटनी होती जाएगी। अच्छा दूसरा फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी अच्छी खबर दी है कि जी काफ़ी नौकरियाँ विदन वीक आ रही हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है? कोई सीवीज वगैरह आए हैं आपके पास लोगों के पास हजारों लाख सीवी कम पड़ जाएंगे ऐसी सिचुएशन है? देखिए नौकरियां तो मेरा ख्याल है कि जरूरत भी लोगों की बहुत ज्यादा है, नौकरियां भी आएंगी। फैसल वाडा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो तो मैं ऑडियो क्लियर मैं दे कॉल ले लूं मैं आपकी बात पे आते हूं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी गिलानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक हूँ अपनी तो हाँ। वेलकम टू माय शो। मेरे साथ मेरे गेस्ट बैठे हैं तारिक खुर्शीद साहब और सीनियर एडवोकेट जैनब लोधी साहिबा बैठी हैं, एमपी हैं। तो मैं आपसे गिलानी साहब, आप खुद एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एडवोकेट जनरल पंजाब साहब का जो मसला हुआ, ये क्या मसला है? ये जो रिसेंट रेजिग्नेशन आया है उनका, एक तो मैं सर पहले सर मैं एक सवाल आपका से करूंगा कि जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ये क्या पार्टी बेसिस होती है या इसमें चीफ जस्टिस की मर्जी भी शामिल? तो नहीं, चीफ जस्टिस की भी कोई मुशावरत होती है या नहीं, 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 या कोर्ट की असिस्टेंस के लिए फिर ये किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो जाती नहीं, है? नहीं, ये चीफ जस्टिस की कभी भी मुशावरत नहीं रही है, कभी किसी टायरेंट रूल में आ जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, इसमें किसी की मुशावरत की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के प्रिंसिपल लॉयर होते हैं, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर, उनका काम है टू डिफेंड द गवर्नमेंट ओवर देयर। जी जी, ये दिस इंसिडेंट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी जी, इसमें जो ग्राफिक चीज है कि वो जो जेआईटी को सस्पेंड किया है वो दो जजेस ने किया, जूनियर जजेस ने, और जो कंटेम्प्ट नोटिस दिया वो तीनों जजेस ने दिए, इंक्लूडिंग कासिम खान साहब। कासिम खान साहब, तो अगर मैं आप एडवोकेट जनरल साहब के मौकफ के ऊपर जाएं, जी जी, तो मैं मुझे वो कमजोर मौकफ लगता है। उसकी वजह ये है कि वो तीन जजेस तो आपस में फैसले पर मुत्तफिक नहीं थे। जी जी, तो वो इनको एडवोकेट जनरल साहब को कंटेम्प्ट देने में कैसे मुत्तफिक हो गए? तो दैट मींस कि देयर समथिंग हैपेंड देयर, जी जी, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी जी, और वो इसलिए हुआ कि एक हमारे यहाँ माइंडसेट है के जो इंसाफ है और जो जस्टिस है वो है जो हम फेवर में है, फेवर में हो, जो हमारी फेवर में है और जो हम चाहते हैं और जो हम कहते हैं, दैट इज द लॉ। जी जी, अगर आप इस जेआईटी की जो फॉर्मेशन है, ये जो लॉ सस्पेंड हुई है, वो देखें तो सुप्रीम कोर्ट में अवामी तहरीक ने पिटीशन दायर की, वो चल रही थी, अभी उसके आर्गूमेंट हो रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन एडवोकेट जनरल साहब अपीयर्ड और उन्होंने कहा जी कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वांट्स टू मेक ए न्यू जेआईटी। तो जस्टिस खोसा साहब ने कहा जी इफ यू वांट टू मेक इट प्लीज डू। तो सागर प्रसाद साहब उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर पास करना चाहते थे जो कि अनफॉर्चुनेटली ना हो सका, और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने जो स्टेटमेंट दी थी उसकी बुनियाद बनाकर, तो दे ट्राइड टू कवर इट विद दी एज इफ इट इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जी, जो कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। जी, तो ये सारा एक जो आप इसको कह दें कि एक्चुअली दिस इज अ माइंडसेट कि हम जो चाहते हैं, जो हम रिजल्ट चाहते थे, वो रिजल्ट नहीं मिला। जी, थैंक यू वेरी मच हई साहब, आपका हमने कीमती वक्त लिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई फैसले से इख्तलाफ है तो अपील भी तो कर सकते थे, बजाय इसके कि वहाँ पे हंगामा हो या कोई जजेस से शिकायत हो, तो वो फिर फोरम है आपके पास तो लॉयर्स के? देखें, मैं कुछ भी यहाँ पे आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से एनीथिंग, और क्योंकि जारी बात है कोर्ट का मामला, जी जी, मैं क्योंकि एज एन गवर्नमेंट में बैठी हुई हूँ और बाकी जगह ऊपर, तो शायद मैं वही कह रही हूँ कि हो सकता है कि अगर मैं कुछ भी इस पे ये कहूँ कि मामला जो भी था तो उस मामले का फ्लेयर अप हो जाता है, या उस मामले को असल मामला देखे ना कि असल मामला कहीं और रह गया है और बात जो है वो बिल्कुल किसी और तरफ निकल गई है। जी जी, तो अब इसके क्या मुहरकात है, कौन इसको कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये बातें फिर वो तो आपको सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे नज़दीक तो दोनों साइड जो है वो पार्शली सच कह रही हैं और दोनों साइड हैं पार्शली गलत बयान कर रही हैं। जहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डेफिनेटली जैन जो कह रही हैं उन्होंने, तो जब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम नई जेआईटी बना रहे हैं तो उन्होंने कहा डिसमिस किया और कहा कि ठीक है आप हमें कोई इतराज़ी बनाएं आप। जी जी, तो जब कोई इतराज़ नहीं है तो इसका मतलब नई जेआईटी बनाने का जवाब मिल गया। जी जी, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं किया कि वो आप जरूर बनाएं, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया कि आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं, वो बन गई। पुरानी जेआईटी पे इतराजात थे और वो अवामी तहरीक का और कादरी साहब को मतलब डेफिनेटली उस पर था कि इंसाफ नहीं मिल रहा और बड़े अरसे से ये मामला लटका हुआ है, तो उस पर नई जेआईटी बन गई। अब वो जेआईटी काम कर रही थी और तकरीबन वो एक कह लें कि रिजल्ट्स बन गए थे,
तो ऑल ऑफ ए सडन आप कोर्ट में एक चीज़ जाती है और वहाँ जाके आपका जो एडवोकेट जनरल है वो कह ये रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले, मुझे भी बात करने दे, और कोर्ट उसको बात करने नहीं दे रही है और फैसला दे देती है। जी जी, जो पर एक्चुअली हुआ यही है, जो मतलब प्रेस में जो आया, इसमें भी नाम नहीं आया, जो जो प्रेस में है ना, कॉज लिस्ट का भी है, मैं उसमें अर्जेंट लगी है, वो अर्जेंट लगी, सुना ही नहीं गया, जो मतलब प्रेस में रिपोर्ट हुआ है, मैं नहीं पता, डेट पड़ी हुई थी और बाद में कॉज लिस्ट में नाम नहीं आया जी। प्रेस में जो रिपोर्ट हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ था, और उसके बीच में जो क्योंकि मे बी जो जजेस का व्यू था कि जी ही वाज टू लाउड एंड ही वाज विद अदर ऑफिसर्स एंड ही वाज प्रोबेबली ट्राइंग टू प्रेशराइज द जजेस, वो उन्होंने इस चीज को इस तरीके से लिया। तो मैंने जो आपको पीछे एक जुमला कहा ना, तो उसके पीछे काफी कुछ छुपा हुआ है। आई वी अंडरस्टैंड, वी गॉट योर पॉइंट ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे वो सीवी वाली बात थी कि जी क्या मतलब कोई बाकी नौकरियां आ रही हैं, आप तो गवर्नमेंट में, आपको असल देखिए, एक तो पहली बात ये कि मैं नेशनल असेंबली के बीच में वो मे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स सारी बातें आजकल काफी ज्यादा हो रहे हैं, कोलीग्स तो आपके नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वहां के ऊपर भी हो रहे हैं, और यहां पे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इमीडिएटली हफ्ते 10 दिन में रोज के रोज जो है ना वो बहुत सारी नौकरियां जहां जहां के ऊपर भी आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट भी खोल के देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली वहां के ऊपर एक साइट भी आ रही है, पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स टू 2019। अच्छा। वो उसके हेडिंग के ऊपर बहुत सारी जॉब्स वहाँ के ऊपर मौजूद हैं और वैकेंसीज जहाँ जहाँ के ऊपर वैकेंसीज हैं वो आपको उसके ऊपर मिलेगी, आप कहीं भी अप्लाई करते हैं। सो रूटीन में और हम डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट भी कर रहे हैं और वैकेंसी में जहाँ जहाँ लोग अप्लाई करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फोन भरा हुआ है उन सारी जगहों से कि हमने यहाँ अप्लाई किया, हमने यहाँ ट्रांसफर करानी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी हैं मजबूरी में, क्योंकि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो बात नहीं कह सकती। बेसिकली इमरान खान साहब ने खुद कहा कि तीन हफ्तों बाद आपको एक खुशखबरी मिलेगी जी। और उसी के कह लें पस मंजर में वाडा का बयान है कि नौकरियों की बारिश हो जाएगी, ये जो नौकरियों की बात कर रही हैं वो तो डेफिनेटली निकलती रहती है, किसी की भी अगर हम जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप क्योंकि कोई भी शख्स यहाँ पे वो बैठा अभी इट्स नॉट अबाउट के गवर्नमेंट, लेकिन अगर कोई भी शख्स इमरान खान साहब को अगर करीब से जानता है तो वो एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी है जी जी। और अगर वो जो बातें करते हैं जी जी। उनकी यकीन करें कि उनकी ख्वाहिश ऐसी ही है कि शायद वो ओवरनाइट आंख खोल लें और कल को वो सारी चीजें हो जाए। ये बस ब्रेक का टाइम हो गया, बस मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा कि चले सीवी तो नहीं लेते, वो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान हमला कर सकता है 4-5 दिन पहले इलेक्शन से, तो फिर क्या बंदूकें ले लें हाथ में, क्या ले लें? ओके, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले लीजिए। Lifetime experience. Sonix tiles for floors and walls. तारिक खुर्शीद साहब, कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, लेकिन असद उमर साहब बड़े होपफुल हैं कि जी हम बड़े नज़दीक हैं IMF के साथ, लेकिन जो शरायत उनकी पढ़ने देखने में आ रही हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मसलन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो कहते हैं कि जी जो चाइना के साथ आपके एग्रीमेंट हैं उनको सारे सामने लेकर आए, ठीक है, आपका J-17 थंडर का क्या एग्रीमेंट है, आपके सबमरीन का एग्रीमेंट किया है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम किया है, तो और दूसरा ये अमेरिका जो इसका मेन डोनर है वो कहते हैं कि जी ये लोन लेकर ये चाइना को ही देंगे, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल 25th को जा भी रहे हैं वहाँ पर चाइना आपके वजीर खजाना, तो आप इन शरायत के, और फिर जैसे आम आदमी पे पहले बहुत बोझ है, वो कहते हैं जी सैलरी जो है उस पे टैक्स और बढ़ाएं, ऑलरेडी लोगों की सैलरी महंगाई की वजह से वैसे ही कम पड़ गई है, उसके अलावा जो 12 लाख रुपए के बाद एग्जेम्पशन है वो कहते हैं इसको 4 लाख के ऊपर लेकर आए,
تو اس طرح کی شرائط جو عوام پہ مزید بوجھ بنے گا, اس سے کس طریقے سے گورنمنٹ میٹ کرے گی؟ میرے نزدیک تو جو آپ نے پہلے بات سٹارٹ کی نا جہاں سے, اسی کو آگے بڑھاؤں گا. مسئلہ آئی ایم ایف کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات. ڈیفینیٹلی جو چیز مانگ رہے ہیں وہ جو سب ساری کنڈیشن پوری کر دیجئے, نئی کنڈیشنز آ جائیں گی. جی جی, اس لیے کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہے جو آپ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. آپ کو امریکنز, یا تو آپ امریکہ کو خوش کر لیجئے اور وہ چاہے آپ کی پالیسی شفٹ, پیراڈائم شفٹ ہے, آپ نکل کے امریکن ایکسس سے آپ چائنا رشیا ایکسس پہ جا رہے تھے. جی جی, یہ مطلب بے نظیر اپنے زرداری گورنمنٹ سے یہ شروع ہوا. بیسیکلی یہ انیشیٹو چاہے وہ زرداری صاحب اپنے ذمے لے لیں, نواز شریف اپنے ذمے لے لیں, لیکن یہ فوج کا انیشیٹو تھا. جی جی, اور کنٹینیو کر رہا ہے. جی جی, اب وہ ہاں جی, وہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ امریکہ کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. اس لیے آپ کو قرض وہاں سے نہیں ملنا. آپ اسی قرض کو لینے کی امید میں بہت کچھ پہلے ہی کھو چکے ہیں اور آپ لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بن رہی ہے. خدا نخواستہ اگر آپ یہ اور کنڈیشنز مانتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں احتجاج نہیں کریں گی تو احتجاج نہیں ہوگا, لوگ بھی نکل آتے ہیں. ایوب خان کی تحریک اگر مطلب پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے میں نے, کہ لوگ تنگ آ کے سڑکوں پہ آ گئے تھے, بھٹو صاحب نے تو اس کو لیڈ کیا. اگر وہ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی ہوتا کرتا تو وہ بھی بن گیا ہوتا اس وقت. بیسیکلی آپ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو کہیں روکنا ہے اس کو. اور اگر آپ نے چائنا کے اور رشین ایکسس پہ جانا ہے تو پھر چائنا کو آپ کو ریسکیو کرنا پڑے گا. جی جی, آپ کو اسی جو ایکسس ہے اس سے رقم ملنی چاہیے. جی, اسی سے آپ کو کہہ لیں کہ ریسکیو کیا جانا چاہیے. جی, اور وہ آپ کو ایم آئی ایم ایف کو بھول جانا چاہیے. آپ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر جی ہم نے اپنے اسٹیٹ کو, اپنے ملک کی سالمیت کو پہلے دیکھنا چاہیے. قرض تو آتے جاتے ہیں, بھوکا رہ کے بھی رہ جائیں گے. میں آپ سے کہوں گا کہ جیسے ابھی خورشید صاحب نے فرمایا کہ ہم اس نیکسس سے نکلنا پڑے گا, ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں صحیح کرنے گا. تو عمران خان صاحب نے ابھی ایران میں ابھی جو سیلاب آیا اس کے لیے ایڈ بھیجی ہے, اور خود بھی 2-3 دن تک ایران جا رہے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں کہ ہم واقعی ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں, اور اپنے اب ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمارے پڑوس میں اسٹرانگ ہونا چاہیے, گیس تو ہمارے بارڈر پہ بڑھی ہوئی ہے. دیکھیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, اگر ہم بہت ساری جب برائیوں کی بات کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں بہت چیزوں کو, وہاں کے اوپر ہم ایک بات کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد ہمارے سفارتی تعلقات اکثر ممالک کے ساتھ بہت اچھے ہوئے ہیں. جی جی, اور اس کے بیچ میں جن جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں بھی کر رہے تھے, آپ سعودی عرب کی مثال دیکھ لیں, اور اس طرح آپ نئے دورے کی بات کر رہے ہیں, بیچ میں آپ کے یہاں کے اوپر لوگ آئے ہیں, اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بھی جو ہمارا ایک سب سے خان صاحب نے دیکھے جو آئی ایم ایف کیے تو دیٹ از ون آف دا آپشن. ہمیشہ نہیں جانا چاہتے, خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اور جانا نہیں چاہتے ہیں, ہم بھی کوئی نہیں جانا چاہتے, اور وہ ہمیشہ سے ہی قرضوں کی بات کرتے رہے ہیں کہ قرضے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرف کنواں اور ایک طرف کھائی, تو کنواں میں جانا ہے یا کھائی میں جانا ہے, یہ ہم نے کیسے بچنا ہے؟ تو دیٹ از بیسکلی دس از دا سچویشن دا گورنمنٹ از فیسنگ رائٹ ایٹ دا مومنٹ. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ہمارا ایک اور بھی ایک نیا سیل بھی بنا ہے, اور وہ بھی ڈونرز سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ پاکستان میں خان صاحب نے جو ابھی ایک نئی ہم نے جو چیز اب ہم انٹروڈیوس کرانے لگے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو ڈونیٹ, اور یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں, وہ اپنی اسکلز اور اپنی جو ایکسپیرینس ہے اور ان چیزوں سے بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا, اور اس کے بیچ میں اب یہی ہے کہ ان سارے اوورسیز جو کہ ڈونرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لے کے آ جائے. دیکھیں اگر بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ان سب چیزوں کو کسی طریقے سے ہم پل کر لیتے ہیں تو کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم قرضہ نہ ہی لیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ہم ایک طرف کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اگر ہم قرضہ اتنا عرصہ ہو چکا, قرضہ ابھی تک ہم نے نہیں اٹھایا, اور اس کا بوجھ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے عوام کے اوپر ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ دو روٹی کی بجائے ایک روٹی کریں, لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی لوگوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں. یہ بات اب سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اگر یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر ان سب چیزوں کے کرائسس نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو
थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक्चुअली बात ये होती है, दो रोटी ईट वन रोटी, मतलब ये चीजें तो चलती है ना, एक पीसीबी के लिए कुर्बानी, देखें कुर्बानी होती है लीडरशिप से, लीडरशिप जब सारों को इकट्ठा, कौम को इकट्ठा करके चलती है ना, फिर होती है। यहाँ पे जो आपके स्पोक्समैन होते हैं गवर्नमेंट के, बजाय इसके कि वो ये बताएं, जैसे आप देखें, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने बताया कि हम ये कर रहे हैं, हम ओवरसीज के लिए कर रहे हैं, जाहिर है ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट या उनके टैलेंट लाने के लिए आपको उनके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, उनको वोट का हक देना पड़ेगा, उनको एयरपोर्ट में सहूलत देने पड़ेगी, उनको पैसे को तहफ़ देना पड़ेगा, और यहाँ से टेररिज्म पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही करना पड़ेगा। इसीलिए एक चीज अभी इंट्रोड्यूस कराई है ना, वो ईज, बिजनेस ईज के मुताबिक, ताकि लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें। आपसे बात करके पता लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। आपने जैसे अभी कहा कि डिसेबल के लिए भी कर रहे हैं, उनके उनको घर भी देने हैं, उनका मेडिकल भी, उनके जॉब भी, घर के अलावा जॉब भी है, उसके जो जो ट्रेन के और इस तरह के जो किराए हैं वो सारे के सारे 50% ऑफ किए हैं, और बहुत सारी मुझे, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि देखें, एक आपका तरीका है, और मैं नहीं समझता कि आप जैसी पढ़ी लिखी और जो अपने मौकफ को बेहतर पेश कर देती है, ऐसे लोगों को इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं लेती, बल्कि जो ऑलरेडी हैं वो सुबह उठते हैं, करप्शन, जरदारी, नवाज शरीफ के अलावा उनके पास बेचने को कुछ नहीं है, और कौम को इरिटेट करते रहते हैं, लोग तंग आ गए ये चीज़ सर, कि वो कहते हैं भाई ये हमारे रोटी नहीं है, जरदारी करप्ट है हो, नवाज शरीफ करप्ट है हो, हमें रोटी, हमारी रोटी का मसला है, हमारे बिलों का मसला है, हमारे पेट्रोल का। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं जी, ये सिलेक्शन गलत नहीं है, सब बातें अपनी जगह के ऊपर है, चंद एक ऐसी बात है जो मेरे हार्ट आउट है, जो मैं करना चाहती हूँ, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग एक हमारे जो इसका हिस्सा होने के नाते, कि हम यकीनन बोलते हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, बेशक करप्ट है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, कि यहाँ से आप गए और वहां जाके आप महल बना के बैठे हुए और आपकी जो प्रॉपर्टी है सारी दुनिया ने देख ली, अब वो अपनी करप्शन को डिफेंड करें नहीं करें, वो दैट्स दिस इज समथिंग एल्स, कि हम उसके पीछे पड़े हुए हैं कि ताकि वो पैसा आए, पर आके वो पैसा इमरान खान ने अपने ऊपर नहीं लगाना, और जो मकसद यही है कि ये पैसा आए और इसी अवाम के ऊपर लगे और हमारे यहाँ के लोगों के पास पैसा किसी तरीके से आए। अब आप ये देखें कि हमारी अवाम जो है, सॉरी टू से, कि आप जब वो जो एक नापने वाला है जो मैयर करता है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा जी, कि आपके हस्बैंड ऑनलाइन है, उमेर नियाजी साहब, बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब, जनाब सर सलाम अलैकुम, वेलकम टू शो, यहाँ पे आपके फैमिली भी बैठी है, बल्कि सारे ही आपके फैमिली मेंबर हैं, तारिक खुर्शीद साहब बैठे हैं, एंड वेलकम टू शो। बस आपसे न्याजी साहब पूछना था कि ये जो अवैध साहब का मामला हुआ है, इसमें आप भी क्योंकि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, तो क्या मौकफ लेते हैं आप? जी अवैध साहब से तो बेसिकली ये है, उन्होंने जो उनका भी रेजिग्नेशन में भी सामने यही आया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से गवर्नमेंट जो है ना जुडिशरी की कोई कॉन्फ्रंटेशन बने। वेरी गुड जी, हाँ जी, तो उसलिए उन्होंने अपने आप को लेता कि क्योंकि वो अपनी लीगल रेमेडीज अवेल करना चाहते हैं, शायद वो लीगल रेमेडीज जो है ना गवर्नमेंट और तरह से देखे, तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता ऑप्ट किया। नहीं, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है कि कन्फ्रंटेशन से उन्होंने हुकूमत को भी बचाया है, कि हुकूमत को और बीच में कोई एक ऐसी टसल ना शुरू हो जाए जिससे आगे आपके फैसलों में प्रॉब्लम हो आपको, है ना? तो बहुत मेहरबानी आपका, हमने कीमती टाइम लिया और बड़ी खुशी होगी जल्द आप हमारे सामने बैठे होंगे। थैंक यू। एक मिनट अगर आप कुछ सर कुछ पूछना चाहते हैं न्याजी साहब से। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, अभी हम इस यही बात कर रहे थे कि कुछ रिजर्वेशन मतलब कोर्ट के हवाले से भी, मैंने कहा ना पार्शल सच वो भी है और पार्शल सच वो भी है, और इसी तरह गलत बयानी भी दोनों तरफ है, तो बहरहाल उन्होंने एक कुर्बानी दी है, वो तो क्योंकि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अच्छा को अवॉइड किया उन्होंने, गिलानी साहब भी चुपचाप चले गए थे, नेक्स्ट आ गए थे, इस तरह में ये आ जाएंगे, इससे बजाय कि एक ही चीज में ये बेहतर होता है, वो तो आते रहेंगे, इसमें तो कोई कमी नहीं होती है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच न्याजी साहब जी। मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, ये अभी इमरान खान साहब ने बयान दिया इलेक्शन से पहले कि ये मोदी साहब हमारे लिए आगे निगोसिएशन के लिए अच्छे रहेंगे,
कश्मीर के बारे में, अगर वो इलेक्शन जीत गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मतलब किस तरह उनको इत्माद हुआ कि मोदी साहब अच्छे रहेंगे या कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजिड रखेगी स्टांस पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, पहली बात है कि खान साहब का कोई भी स्टेटमेंट है मैं तो उसको सेकंड ही कर सकती हूँ, सेकंड ही कर सकती हूँ, जारी बात है उस चीज़ के ऊपर। चलिए, इस पर हम आपका सर बेहतर है। मैं तो ये कहूँगा कि ये हिस्टोरिकली ठीक बात है, उसकी वजह है जो एक्सट्रीम राइट की पार्टियां होती हैं या रिलीजियस माइंड की पार्टियां होती हैं उनके लिए किसी को नहीं दे नहीं सकती, रिलीफ देना आसान होता है। जो लिबरल होगा और जो प्रोग्रेसिव होगा उसके लिए दूसरे को रिलीफ देना बहुत मुश्किल काम है। आपको याद होगा कि जिस वक्त वाजपेयी यहाँ आए थे तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और उस वक्त भी यहाँ पे बकायदा प्रेस में एक मतलब कंसेंसस था कि नवाज शरीफ ये समझौता कर सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ जब वाजपेयी के साथ बैठेगा तो जमात इस्लामी उसके खिलाफ जुलूस नहीं निकालेगी, उसके खिलाफ JUI जो है फजल रहमान साहब सड़कों पे नहीं होंगे। अगर इसकी जगह पे बेनजीर ये काम हुए हैं, बेनजीर ये काम करेगी तो ये दोनों सड़कों पे होंगे। तो इमरान खान की जो बयान है मेरे नज़दीक वो मतलब लॉजिकल है कि वहाँ पे अगर ये जीत जाता है अपना मोदी तो उसके लिए अगर वो चाहे, बेसिक मुझे ये नहीं पता कि उसकी नीयत क्या है, जो वो अगर वो चाहे लेकिन उसके लिए भी बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हाँ जी। वो चाहे तो ये बात हो सकती है, इसलिए कि उसके खिलाफ ठाकरे बाहर नहीं निकलेगा, उसको शिवसेना का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे हिंदू रिलीजियस एलिमेंट को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर ये कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी के लिए काम ज़्यादा मुश्किल होगा नस्बतन। यहाँ पे इमरान के लिए काम आसान होगा, बिलावल ये काम नहीं कर सकता, इसलिए कि बिलावल अगर ये करेगा तो इमरान खान भी उसके खिलाफ होगा, नवाज शरीफ भी उसके खिलाफ होगा, जमात इस्लामी भी उसके खिलाफ होगी। मतलब ये एक ऐसी मतलब लॉजिकल बात है, उसमें मैं उसको बिल्कुल एक लिहाज से डिफेंड करने को तैयार हूं। लेकिन कांग्रेस से एक दफा कर चुकी है आपके साथ शिमला में, जी शिमला मुआहदा किया और उसका उसका नतीजा आपने छोड़े और मैंने आपसे कहा था उसका नतीजा देखिए ना, फिर इंदिरा गांधी को अपनी जान देना, नतीजा इंदिरा गांधी को अपनी जान देनी पड़ी। अब भी सिर्फ मोदी को ये एहसास दिलाने की बात है कि आपको अगर आप उस पुरानी जो सिलसिला था जिसको चुनाव फार्मूला कहते हैं, चुनाव रिवर को अगर बाउंड्री बना लिया जाए जिसमें जम्मू इंडिया के पास चला जाएगा और श्रीनगर वैली आपके पास आ जाएगी, अगर ये हो जाए तो इंडिया वक्ती तौर पे कुछ इलाका तो जरूर लूज करेगा। हमारा तकरीबन खत्म हो गया, बस मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ करूंगा कि हमारी कौम बड़ी इस वक्त मायूस है, कोई होपफुल बताएं कि गवर्नमेंट क्या पॉजिटिव कर रही है इस वक्त, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके फास्ट स्पीड फास्ट ट्रैक पर है जिससे इमीडिएटली रिलीफ की कोई उम्मीद हो? देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज़ के पीछे मायूसी बहरहाल नहीं होनी चाहिए और इतनी जल्दी तो बिल्कुल ही मायूसी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या आप ऑलरेडी पॉलिसी में है ना पंजाब में, जी कौन है वो पहले ही से बहुत टफ टाइम देख चुकी है, इससे बहुत ज्यादा टफ टाइम हमने देखे। ये शायद मीडिया एक आई एम सॉरी कि एक वो जब आप रोज़ एक टीवी खोल के देखें और आपको लफ्ज़ का जो है ना बम गिर रहा है, बम गिर रहा है, बम गिर रहा है। आप देखें कि जब ये 92 के ऊपर आपका पेट्रोल आया था, किसी ने यहाँ के ऊपर हाईलाइट किया कि ये पेट्रोल 92 के ऊपर चला गया, हालांकि पिछली गवर्नमेंट में 117 तक भी गया। अब आप आलू की कीमत 11 रुपये तक गई है, 6-6 रुपये लोगों ने लिए हैं, लेकिन आपने किसी टीवी वाले ने दिखाया कि देखें जी ये भी कम, उसके ऊपर सब्जियाँ गई हैं। पिछली गवर्नमेंट के बीच में कचनार तक ब्लैक हो रही थी। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों को शायद फ्रस्ट्रेट करने के लिए बातें कर रहे हैं। अब जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं वो हमारा जिस पे हमारा फोकस है, तालीम के ऊपर भी है, हमारा एजुकेशन के ऊपर भी है, और हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर बकायदा काम हो ताकि आने वाले वक्त पर हैं। ये काम किस स्टेज पर है? देखिए, रोजमर्रा का भी मसला है यहाँ पे, लोगों को दवाइयों का भी, दवाइयाँ महंगी भी हो रही हैं। देखिए, जो अभी आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो दवाइयों की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा प्रेसिडेंटों के बीच में अभी आपने कल परसों के बीच में देखे उनके ऊपर नोटिस भी लिया गया, क्रैकडाउन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी सारी सारा काम शॉर्ट करके बैठ जाते हैं और वो तो लाइफ सेविंग ड्रग जो मैं आप मेरी जो बात बीच में रह गई थी आप वो बात पिछले कट हो गई, मैं सिर्फ इसके ऊपर एंड पे दो चंद एक बातें कहना चाहती हूँ और वो ये सिर्फ ये है कि हमें सब लोगों को खुद एहतसाबी का अमल हमारी इस कौम के अंदर भी होना चाहिए। सर सिंगल वर्ड इसी को आगे बढ़ाता हूँ, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने देखा आज हमारे मेहमानों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की।
तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला कल अच्छी होगी, सूरज फिर निकलेगा और सबके लिए निकलेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।